नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई 24 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई हैं। मंगलवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित अपने आवास पर मलाला ने असर मलिक नाम के शख्स से निकाह किया है। अपने निकाह की जानकारी मलाला ने खुद ट्वीट करके दी। मलाला ने अपने ट्वीट में लिखा, आज का दिन मेरे जीवन का अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर के लिए साथी बनने के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। मैंने केवल सोचा कि मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली, कभी बच्चे नहीं करूंगी, केवल अपना काम करूंगी। मैं हमेशा खुश और अपने परिवार के साथ रहूंगी। मुझे एहसास नहीं था कि आप हमेशा एक जैसा नहीं कर सकते। इससे पहले जुलाई में मलाला ने ब्रिटिश मैगजीन वोक को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने शादी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए थे। मैगजीन से बातचीत करते हुए मलाला ने कहा था कि मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि क्यों लोगों का शादी करना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कोई व्यक्ति चाहते हैं, तो आपको शादी के कागजात पर दस्तखत करने की जरूरत क्या है? ये केवल साझेदारी क्यों नहीं हो सकती? हालांकि मलाला के इस बयान की पाकिस्तान में काफी आलोचना हुई थी, और तब से लेकर अब तक उनके इस बयान को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और मलाला अपने ही बयान से पलट गईं और उन्होंने असर मलिक से निकाह कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उनके पति असर मलिक को लेकर चर्चाएं काफी गर्म हैं। हालांकि मलाला ने अपने पति के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उनके पति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के महाप्रबंधक हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अलग अलग क्रिकेट आयोजनों की कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने से पहले असर प्लेयर मैगजीन एजेंसी के प्रबंधक निदेशक थे। वो एक क्रिकेट लीग लॉस्ट मैन स्टैंड में फ्रेंचाइजी के मालिक थे। असर ने लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनके लिंक्डइन पेज के अनुसार वो 2008 से 12 तक लाहौर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की है। आपको बता दें कि मलाला को दुनिया के कई हिस्सों और खास तौर से पश्चिमी देशों में महिलाओं के हक के लिए काम करने और निडरता के लिए सम्मान मिला है। हालांकि पाकिस्तान में उनके काम पर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाने वाली मलाला को पाकिस्तान में साल 2012 में तालिबान हमलावरों ने गोली मार दी थी। उन्हें साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस वक्त मलाला सिर्फ 17 साल की थी।